Hello friends, welcome back to our channel, The Speech World. So let's begin the potty training guide for toddlers. हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको 10 important tips बताए थे कि बच्चे को potty train करने से पहले हमें क्या क्या करना है. अगर आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी है तो I would suggest कि आप अपने बच्चे को potty train कराने के लिए कैसे उसको mentally prepare करना है वो देखने के लिए आप please वो वीडियो पूरा देखिए, उसको समझिए, जिससे कि आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करा सके. पॉटी ट्रेनिंग अ टॉडलर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम योर एंड. सो लेट्स बिगिन द एक्चुअल पॉटी ट्रेनिंग जर्नी नाउ. सो हमारा फर्स्ट टिप, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना टिप है, जो आपने अपनी दादी नानी को भी कहते हुए सुना होगा, इज बच्चे को हर आधे घंटे पे वॉशरूम लेके जाओ या पॉटी चेयर पे बिठाओ. और उसको याद कैसे रखेंगे कि हम अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं. आजकल हम टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ करते हैं, सो लेट्स यूज़ आवर टेक्नोलॉजी फॉर दिस वर्क. अपने फ़ोन में हर आधे घंटे का अलार्म लगा दीजिए, जिससे कि आपको याद रहे कि अब आधा घंटा हो गया, अब बच्चे को हमें पॉटी चेयर पे बिठाना है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे उठते ही वॉशरूम जाते हैं, सुसु करते हैं. तो उनके कुछ पीक टाइम्स होते हैं, लाइक जैसे ही बच्चा सुबह को उठता है, उसके बाद जैसे ही लंच करता है या ब्रेकफास्ट करता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं इज़ मिडनाइट. बच्चा सो रहा है, एक बार उसको उठा के वॉशरूम में ज़रूर लेके जाइए, उसकी पॉटी चेयर पर ज़रूर बिठाइए. ये टिप जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है वो ये है कि आप अपना हैंड सैनिटाइज़र, अपने वेट वाइप्स, पुराना पेपर, पुराना कपड़ा, ये अपने साथ ज़रूर हैंडी रखिए. क्योंकि अक्सर मैंने मदर्स को ये कहते हुए सुना है कि वो पॉटी चेयर पे बच्चे को बिठाते तो हैं, बट वहाँ पे बच्चा वॉशरूम नहीं करता, वहाँ पे सुसु नहीं करता, बट जैसे ही बेड पे ले आते हैं वहाँ पे सुसु करता है. सो यू विल हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स हैंडी एंड डू नॉट गेट डिसहार्टेंड कि अगर अरे बच्चे ने नहीं किया अब तो मैं नहीं कराऊंगी. नहीं, ये डेडिकेटेड एफर्ट्स हैं जो बार बार आपको करने ही पड़ेंगे. नेक्स्ट थिंग यू शुड कीप इन माइंड इस बच्चा आजकल जो होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप जितना ज़्यादा उनसे कम्युनिकेट करोगे वो उतनी जल्दी चीज़ों को समझेंगे. ये अक्सर हम भूल जाते हैं, जो कम्युनिकेशन लिंक है वो हम नहीं करते. जैसे कि अगर बच्चे को आप बेड पे लेकर आए और बच्चे ने उसी टाइम सुसु कर दिया, सो यू विल हैव टू मेक अ सैड फेस, शो हिम द सैड फेस. देखो आपने बेड गीला कर दिया, आपने अपने पैंट्स ख़राब कर दिए, मम्मा इज़ वेरी सैड, नेक्स्ट टाइम लेट्स नॉट डू दिस. उसको समझाओ, नेक्स्ट टाइम हम पॉटी चेयर पे करेंगे सुसु, ओके, फिर मम्मा हैप्पी हो जाएगी. आप ये मत सोचो कि अरे ये तो छोटा बच्चा है, इसको कैसे समझ में आएगा. द मोर यू टॉक टू देम द मोर दे विल रियलाइज एंड गेट पॉटी ट्रेन्ड. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी बच्चे ने फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, मतलब कि पॉटी चेयर पे सुसु किया या पॉटी किया, सो यू हैव टू बी मोर वर्बल टुवर्ड्स देम. यू हैव टू टेल देम, वाओ दैट्स सो नाइस, आपने पॉटी चेयर में पॉटी की, मम्मा इज सो हैप्पी. एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, जब जब देर इज़ अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, जब जब बच्चे ने पॉटी चेयर पे सुसु किया है या पॉटी करी है, यू हैव टू गिव हिम सम स्टार्स और सम काइंड ऑफ री इन्फोर्समेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम. नाउ द एक्चुअल स्ट्रगल कम्स जब हमें बच्चे को पॉटी करना सिखाना है. दैट मीन्स वेन दे हैव टू डू पॉटी इन द पॉटी चेयर, इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर देम टू सिट ऑन द पॉटी चेयर. तो उस टाइम पर हमें क्या करना है? सो रिमेंबर हमारी जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि यू कैन ईदर काउंट वाइल दे आर सिटिंग ऑन द पॉटी चेयर और सिंग अ राइम टुगेदर. दीज आर द टू थिंग्स विच आई हैव डन विद माई चाइल्ड. बट कभी कभी बच्चा क्या करता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता. सो वॉट यू कैन डू इज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन सिट विद द चाइल्ड, मेक फेस कि ओके यू आर ऑल्सो पुटिंग प्रेशर. तो जो एबडोमिनल प्रेशर वाली बात हमने पिछले वीडियो में बताई थी उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं.